हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज आपके साथ ये वाला ईद मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा लुक 3 है। मैंने इससे पहले लुक 1, लुक 2 दो लुक आपके साथ शेयर किए हैं। ये लास्ट है और थर्ड है लुक 3। सो इसमें जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो अंडर 30 रुपीज़ होंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉय की हनी एंड आलमंड की स्किन क्रीम ले रही हूँ। एज अ मॉइस्चराइजर उसे अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस पर। बहुत ही अच्छा वर्क करती है ये एज अ मॉइस्चराइजर। तो आप देख सकते हैं, ये छोटा पैक है इसका, 10 रुपीज़ का आता है। देन ये ब्लू हेवन का मैं फाउंडेशन ले रही हूँ। सो ये 30 रुपीज़ का मैंने कफ्स एंड लैशेस से लिया था। तो आप देख सकते हैं, सो 30 रुपीज़ में क्या फाउंडेशन आप एक्सपेक्ट करोगे। सो फिर भी ये थोड़ी बहुत कवरेज नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन स्किन को इवन आउट कर देता है। तो इसको एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे हम ब्लेंड कर लेंगे पूरे फेस पे। तो आप देख सकती हैं, बहुत ही शियर कवरेज है इसकी, लेकिन हम काम चला लेंगे। सो नेक पे लगाना ना भूलें। इसी को एज अ कंसीलर लगाऊंगी, क्योंकि हमारे पास अंडर 30 रुपीज़ कोई भी कंसीलर नहीं है। इसको ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, फिर भी इतना इसने हाइड नहीं किया है मेरे को, लेकिन मेरी स्किन के हिसाब से ठीक है। इतनी ज़्यादा मुझे हेयर नहीं, डार्क स्पॉट, एक्ने स्पॉट्स वगैरह, तो ये काम कर गया। देन पॉन्स का ये टेलकम पाउडर ले रहे हैं। और भी ब्रांड्स के आते हैं, लेकिन ये पैराबेन फ्री है और कंपनी भी इसकी ब्रांड भी ठीक है। पॉन्स का है ये, तो इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसको आपने पूरे फेस पर पहले लगा लें, तो आप देख सकते हैं नेक पर भी लगा लें, और तुरंत इसको इसको जो एक्सेस है रिमूव कर दें, वरना फेस को बहुत ज़्यादा वाइटिश कर सकता है। क्योंकि इसका जो कास्ट है, इसका जो कलर है वो वाइट कलर का है, तो उससे आपका फेस वाइटिश लग सकता है। इसको लगाएं और तुरंत रिमूव कर दें। बस हमें अपने फेस पे एक मैट लुक चाहिए, तो वो भी हमें चाहिए, तो ज़्यादा देर अपने फेस पे ना रखें। देन ब्लू है उनका ये ब्लश है, बहुत ही कम पिगमेंटेशन है इसकी। सो एज अ ब्लश तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। हमारे पास कोई भी आई शेडो नहीं था अंडर 30 रुपीज़, तो मैंने इससे ही करने की कोशिश की है। ब्रश की हेल्प से तो बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं आ रही इसकी, तो इसको फिंगर की हेल्प से मैं अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं, तो कितनी कम पिगमेंटेशन है इसकी। एज अ ब्लश तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। ब्रश से इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि हार्श लाइन्स ना दिखे, बहुत ही ब्लेंडेड दिखे हमारा आई शेडो। नेक्स्ट है उनका, यहाँ पर आई लाइनर ले रही हूँ। ये भी मुझे लोकल स्टोर से 25 का मिला था, तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो आप ब्लू हेवन का भी ले सकते हैं, वो भी आपको 25-30 का मिल जाता है। तो वो भी मेरे पास है, लेकिन मैंने ये यूज़ किया। इसे एक बहुत ही अच्छा हम विंग लाइनर ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं, बहुत ही क्विक विंग लाइनर बन जाता है। सेंटर पास से आप लगाना स्टार्ट करें आईलाइनर, देन इसको धीरे धीरे लगाते जाएँ, और देन इसको बहुत ही अच्छा विंग लाइनर ये लग जाएगा। ये ड्रीम ब्यूटी का मस्कारा भी मुझे 20 रुपीज़ का लोकल स्टोर से मिल गया था। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको मस्कारा ना भी मिले 20 रुपीज़ का, तो आप आईलाइनर को ही एज आ मस्कारा भी यूज़ करते हैं। एक स्पूली ब्रश जैसे आता है हमारा, मस्कारा ब्रश या आईब्रो ब्रश हमारा आता है स्पूली, उससे आप अपने लैशेस को कर सकते हैं। सो ये भी लैशेस मुझे 25 की मिली थी लोकल स्टोर से, तो आपको भी मिल जाएंगी, ये लोकल स्टोर से आराम से मिल जाएंगी। इसको बैंड को हम हाइड करने के लिए यहाँ पर आईलाइनर लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो देन ये काजल मुझे 10 रुपीज़ का मिल गया था। तो इसको, ये ब्लू हेवन का है बाय द वे, आपको मिल जाएगा लोकल स्टोर से इजीली। तो इसको लोअर और अपर वाटर लाइन पर हम दोनों आइज़ पर लगा लेंगे। तो देन यहाँ पर मस्कारा अपनी लोअर लैशेज पर लगा के आई लुक को हम कम्प्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आई लुक हमारा कंप्लीटेड है। अपर लैशेस पे भी लगा लें, ताकि हमारी जो फेक आई लैशेस हैं और हमारी नेचुरल लैशेस हैं वो एकदम जॉइंट लगें। तो देन एडीएस की आईब्रो पेंसिल, ये भी मुझे 10 रुपीज़ की मिल गई थी, तो इसे मैं अपने आईब्रोज फिल कर लूँगी। तो इसकी बहुत कम पिगमेंटेशन है, लेकिन आईब्रोज पे बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड आई पेंसिल जो होती हैं, सॉरी आईब्रो पेंसिल, वो अच्छी नहीं लगती। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये ब्लू हेवन का मुझे है ये पेंसिल, ये भी मुझे 30 रुपीज़ की मिल गई थी। ये मैंने कफ्स एंड लैशेस से ली थी। सो इसको मैं अपने नोज़ को और चीक्स को कॉन्ट्रोल करूँगी,
तो आपको बहुत सारे लिप लाइनर अंडर 30 रुपीज़, 10 रुपीज़ के, 15 रुपीज़ के मिल जाएंगे लोकल स्टोर से। तो बहुत से कलर में मिलते हैं, मी ऑन के जैसे आते हैं उसमें आप ब्राउन कलर कोई भी ले सकते हैं। तो आप उससे अपने फेस को कॉन्टूर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसको ब्लेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन हो जाता है ब्लेंड, आप देख सकते हैं। इसको मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। देन मैं यहाँ पर ब्लश ले रही हूँ, सेम ब्लश ब्लू हेवन का, इसको चीक्स पे अप्लाई करेंगे। अब देख सकते कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है, कम पिगमेंटेशन है लेकिन बहुत ही नेचुरल पिगमेंटेशन है इसकी। तो नोज़ पे लगाते वक्त मुझे ध्यान आया कि मैंने अपनी नोज़ कॉन्टोरिंग को तो ब्लेंड किया ही नहीं। सो अब मैं फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ उसको ब्लेंड, तो आप देख सकते हैं। देन ये लिपस्टिक मुझे 20 रुपीज़ की मिल गई थी लोकल स्टोर से, इसका कोई भी ब्रांड नेम नहीं है। तो दिस इज़ अ फन वीडियो गाइस, तो इसको प्लीज़ सीरियस मत लीजिए। और मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी ऐसे प्रोडक्ट लगाने, क्योंकि मैं तो फन वीडियो कर रही हूँ। सो दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक। दुपट्टा मैंने वेयर कर लिया है, इयरिंग वेयर किया है, ट्रेडिशनल लुक देने के लिए मैंने बिंदी वेयर की है। तो बालों को मैंने खुला छोड़ा है, आप कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो हेयर स्टाइल वीडियो मैंने अपने चैनल पर 2-3 वीडियो पहले बनाई, उसमें मैंने हेयर स्टाइल बताया, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पहले जो दो लुक मैंने क्रिएट किए हैं। सो या ये था मेरा फाइनल फिनिश लुक। सो पहले दो लुक मेरे देखना बिल्कुल ना भूलें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेकआउट करना। तो या ये था मेरा लास्ट थर्ड और लास्ट लुक सो इस 2020 का। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।